So this is what's happened in my life. And since I started to do that, everything in my life become better and better. So I will still carry on to do that because I think it's important and I feel good. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं हूं आप लोगों को दोस्त उमेर मेरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल चकवाल फुटबॉल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुस्लिम होने के बारे में। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ज़्यादा मुसलमान हो रहे हैं, क्या ये खबर फेक है या रियल, इस चीज़ के मुताबिक आज हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुसलमान होने की, तो इस चीज़ के मुताबिक बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुसलमान हो रहे हैं। तो ये फिलहाल बात फेक है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुस्लिम हो चुके हैं, वो अभी तक मुस्लिम नहीं हुए, वो अभी तक क्रिस्टियन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डोनेशन की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डोनेट करते हैं अपने पैसे को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोनेशन में बहुत ज़्यादा आगे हैं माशाल्लाह। वो पिछले दिनों फ़लस्तीन में उन्होंने 1.5 मिलियन US डॉलर फ़लस्तीन को डोनेट किया था। जी हाँ दोस्तों, वो उनका कहना है कि आप जितना अपने पैसे को डोनेट करेंगे तो गॉड आपको अपने उस पैसे को डबल कर देगा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ज़कात जैसे कि हम मुसलमान लोग देते हैं तो वो मतलब क्रिश्चियन लोग डोनेट करते हैं, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोनेट कर रहे हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पिछले दिन एक वीडियो वायरल होगी कि उसमें मतलब एक एंकर ने उनसे पूछा था कि आपके रिलीजन के मुताबिक आपका क्या ख्याल है। तो इस चीज़ में उन्होंने बताया कि मतलब आप ये वीडियो चेक कर सकते। So this is what's happened in my life. Since I started to do that, everything in my life become better and better. So I will still carry on to do that because I think it's important and I feel good. Instagram पर उनके 310 मिलियन फॉलोअर हैं। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुस्लिम हो जाते हैं तो उससे हमारे मुसलमान कम्युनिटी पे इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत देखकर बहुत सारे लोग मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे। दुनिया के नंबर वन इंस्टाग्राम फॉलोअर की लिस्ट में शुमार हो जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे सबसे एक बहुत ही सीरियस पर्सन है। तो हम सब की दुआ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ज़्यादा मुस्लिम हो जाएं। तो उनकी मतलब डोनेशन बहुत ज़्यादा है, वो कितने यानी मुसलमान उनके दोस्त हैं, उसको फ़र्क किस वजह से पड़ा, असर किस तरह हुआ मुसलमान होने का। इस चीज़ के मतलब बात करें तो उनके जो दोस्त हैं जो रियल मैड्रिड में करेन बेंजेमा और म्यूस्ट ओज़िल उनके साथ खेल चुके हैं, पॉल पोगबा उनके साथ अच्छी दोस्ती है, तो इन सब चीज़ों की वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पूरा एक असर पड़ा है। ये चीज़ साबित करती है कि वो एक अच्छे पर्सन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद बजाते खुद एक बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या फैमिली प्रॉब्लम होती हैं जो कि क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं लेकिन वो मुसलमान होने का दावा तो नहीं करते। मुसलमान होने का दावा तो यही है कि आप एक मुस्लिम हैं तो आप कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर यकीन रखिए और अल्लाह को एक माने और अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल होने का दावा पेश करें। तो यही चीज़ है। तो मेरी दुआ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत जल्द मुस्लिम हो जाए, तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये पैराग्राफ इस चीज़ का बरहक है कि 2050 तक मुस्लिम कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस इंशाल्लाह उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल ज़रूर होंगे। तो इस चीज़ आप सब लोग की दुआ है, उम्मीद है आप सब लोग को मेरी वीडियो आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, इन सब पेज के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। मैं हूँ आप लोगों को दोस्तों मेरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।